हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबको शबे बारात मुबारक। आज लैलतुल कदर की रात है, सब इबादत करिएगा और मुझे भी दुआओं में लास्ट में सब साथ रखिएगा। बस मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मैं खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि मैंने रोज़ा भी रखना है, इबादत भी करनी है। अभी बस नमाज वगैरह पढ़ ली थी, मैंने कहा जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ बना रही हूँ आज पालक चिकन। हाँ, सबसे पहले मैं लूँगी पैन, इसमें वॉक में ऑयल, क्योंकि मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं, तकरीबन हाफ के जी के बराबर तक। अच्छा जी, अब मैं इसमें कर दूँगी जी चिकन है, या मैंने एक पूरा चिकन लिया था पर इसमें से मैं लूँगी हाफ। अच्छा जी, इसमें अच्छा जी, मैं इसको पहले चिकन को हल्का साफ कर दूँगी, एक मिनट के लिए बस फ्राई कर लूँगी। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी एक भरी इलायची और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नहीं, छोटी से डाल के और इसमें थोड़े से चिकन को ले लिया। थोड़ा सा इसमें जीरा का चिकना सेट कर, चलो। मैंने यहाँ पे बनाया था थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें मैंने लिया था प्याज थी दो मीडियम, तीन टमाटर थे और साथ में जी एक पूरा लहसुन का था, तकरीबन ढाई चम्मच लहसुन और इतना ही, दो ढाई चम्मच लहसुन और दो चम्मच अदरक और तीन मिर्चें थी सब। मैं इसमें थोड़ा सा बस ऐड कर दूँगी हाफ। साथ ही मैं अपने स्पाइसेस ऐड करूंगी, कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी। मैं लूंगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड मिर्च, ये भर भर के लिए क्योंकि स्पाइसी खाना पसंद है, और ये 1 टेबल स्पून होगी हल्दी क्योंकि मेरी हल्दी का इतना कलर नहीं है, इसलिए आप सब घबराइएगा नहीं कि मैंने हल्दी ज़्यादा ली है। अच्छा जी, और साथ में लूँगी धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। चलो अब मैं तीन स्पाइसेस में पका लूँगी 2 से 3 मिनट। गई हूँ, अभी इसको मैं पकाऊंगी 3 से 4 मिनट, फिर मैं इसमें अपनी पालक ऐड करूंगी और पालक को मैं आपको दिखाती हूँ मैंने वॉश कैसे किया है। यहाँ जी मैं 2 मिनट के लिए इसको ढाम के रखूंगी। चेक करें टर्न हो गया है यहाँ पे। अब मैं इस पॉइंट पे ऐड करूंगी अपनी पालक, पालक दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ, ये चेक करें, ये है पालक। इसको मैंने नमक लगा के मल के हाथ से वॉश कर लिया अच्छे से, इसका टोकरी में डाल के इसका पानी निकाला, इसको अच्छे से वॉश किया, ये चेक करें। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी। कुछ लोग बॉइल करते हैं पर हम बॉइल नहीं करते, फ्लेम बंद कर देती हूँ, फ्लेम ऑन कर दूँगी भैया। अच्छा,
इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, इसको मैं 2 मिनट भूनूंगी। मैंने मंगवाई थी राज कचौरी, इसके सैम्पलिंग करती हूँ और फिर इसको खाती हूँ। ये मैंने मंगवाई थी बॉम्बे चपाती से। अच्छा जी, आज मैं ये जो बना रही हूँ पालक चिकन, ये मैं बना रही हूँ अपनी नानों के स्टाइल से, और इसमें मैं ऐड करूँगी दूध। आप लोग हैरान होंगे कि दूध किसी ने कभी ऐड नहीं किया, वैसे मैंने कभी आज तक किसी को देखा नहीं। इसमें 1 कप के बराबर दूध ऐड कर दूँगी, पानी नहीं ऐड करूँगी मैं, इसमें इसको पकाऊँगी। आप लोग इस मेरी इस तरह के इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनती है दूध डाल के। मैंने घर का मिल्क लिया है, अब मैं इसको इसी में कुक करूँगी। इसको चेक करा देती हूँ, ये चेक करें इसको, अब मैं इसको इसी में कुक करूँगी, फिर आपको बातें दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे 5 मिनट हो गए, मैं इसको ओपन करके देखती हूँ। जी, राज कचौरी पे मैंने चीज़ें ऐड कर ली थी, बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। आज वैसे मैंने इसने खाई है 3rd टाइम, एक बार मैंने ये खाई थी दुबई में, पहले भी मैंने इनकी ट्राई की, एक बार आज भी इनकी मंगवाई है। अच्छा जी, मम्मा बताओ ये किसकी रेसिपी है, नानो की है कि आपकी है? मैंने वैसे सबको बताया है कि ये नानो की रेसिपी से बनाते हैं हम। और अभी दूध ऐड किया अपने, अब इसको कितनी देर और पकाना है? मैं इसको थोड़ा सा भूनना है और इसमें फिर सब मिर्च काट के डाल देनी। अच्छा, और बस फिर मिर्च का फ्लेवर आ जाए। और गरम मसाला? गरम मसाला डाला नहीं अभी? नहीं, तो डाल दो थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालना। चलो आप ही डाल दो फिर। चलिए जी, इसको भून के बस और 2-3 मिनट भूनना है मम्मा ने, क्योंकि थोड़ा सा और दूध इसमें ऐड किया, फिर इसमें गर्म मसाला भी ऐड करना है, फिर इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में जी हम बनाएंगे रोटी घर की, इसके साथ फिर इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सब्ज मिर्ची ऐड कर ली है, अब बस इसको मैं 1 मिनट तक डिश आउट कर दूँगी। ये बहुत शॉर्ट रेसिपी है, इतना इसमें टाइम नहीं लगता, तो इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करिएगा इसको इस स्टाइल से दूध ऐड करके। यहाँ पर जी हमारा खाना रेडी हो गया है, साथ मम्मा ने रोटी बना ली है, ये चेक करें, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे लाजमी बताइएगा। आई होप आप सबको लाजमी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, आज रात लाजमी मिली भी इबादत में दुआ करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।